नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्लानर एंड मेकर में। क्या आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर 3 BHK का फ्लैट ढूंढ रहे हैं, वो भी बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, नियर मेट्रो स्टेशन के पास, हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे? मैं आज आपके लिए लेके आया हूं 3 BHK का फ्लैट। बहुत ही लग्जीरियस एंड सुपीरियर वर्क के साथ हमने 3 BHK का फ्लैट जो तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, तो आप चलते हैं फ्रंट एलिवेशन की ओर। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आपको हमारा फ्रंट एलिवेशन मिलने वाला है। अब चलते हैं पार्किंग की ओर। तो ये हमारी पार्किंग है जो कि 2 साइड ओपन आपको पार्किंग मिलने वाली है। दोनों तरफ इसके 20 फुट की रोड आपको मिलेगी इस प्रॉपर्टी की। तो और मैं बात करता हूं नियर मेट्रो स्टेशन की, तो वो रहेगा आपका नवादा का मेट्रो स्टेशन, और वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग के साथ आपको मिलेगा। तो साइज मिलता है आपको इसका 90 गज है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर से लोन लेना चाहते हैं तो उस पर 80-90% का भी होम लोन अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे इस 3 BHK के खूबसूरत से फ्लैट के होम टूर की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस 3 BHK के फ्लैट का होम टूर, जो कि बहुत ही लग्जीरियस और सुपीरियर रहने वाला है। तो अब ये मैं आपको लिविंग एरिया दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही शानदार आपको ये लिविंग एरिया मिलने वाला है। आप देख सकते हैं हमारे इस लिविंग एरिया को, जो कि हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करके हम आपको देंगे। वर्क आपके सामने है लिविंग एरिया का, जो आप देख सकते हैं कितना लग्जरियस आपको ये वर्क मिलने वाला है इधर लिविंग एरिया में। सामने आपको ये टीवी पैनल मिलता है, जो कि बहुत ही बिग साइज़ का आपका ये टीवी पैनल है। यहाँ पे आप अपना 65 इंचेस तक का टीवी आप लगा सकते हैं। साइड में आपको ये ड्रॉर्स मिलते हैं, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें शोपीस वगैरह लगा सकते हैं। और ऊपर हमारे इस लिविंग एरिया का फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखिए, जो कि बहुत ही यूनिक आपका रहने वाला है। और इधर ही आपको मिलता है लिविंग एरिया में हमारे बिग साइज़ का मंदिर, जो आप देख सकते हैं कितना शानदार हमने वर्क अब जो तैयार किया है इस मंदिर को। और मैं आपको इसमें डाइनिंग एरिया भी दिखाता हूँ जो लिविंग एरिया में। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ये हमारा डाइनिंग एरिया का कॉन्सेप्ट है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप अपना 2x2 का डाइनिंग लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी किचन दिखाता हूँ, जो कि सेपरेट किचन आपको मिलने वाली है। 3 BHK के फ्लैट में बहुत ही कम आपको ऐसी सेपरेट किचन मिलती है। तो ये जो हमारी किचन है, आप देख सकते हैं कितनी स्पेसेस आपको किचन मिलने वाली है, और सारी जो ड्रॉर्स हैं इसमें आपको ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलने वाले हैं। इधर आपका ये फ्रिज सेक्शन हो गया किचन के अंदर ही, और ये हो गई आपकी पेंट्री। तो बहुत ही स्पेसेस आपकी पेंट्री रहने वाली है। और साथ के साथ वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूँ इस किचन में, तो दोनों तरफ आपको इसके विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। चिमनी हम आपको लगा के दे रहे हैं, अगर आपको अलग अपना एग्जॉस्ट भी लगाना है तो दोनों तरफ हमने इसके पॉइंट दिए हुए हैं, आप अपने इसमें एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। और हमारे ऊपर इसका किचन का डिज़ाइन देखिए, कितना शानदार आपको डिज़ाइन मिलता है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर, जो कि मास्टर बेडरूम आपका रहने वाला है, जिसके साथ आपको अटैच बालकनी भी मिलेगी। तो आप हमारा ये रूम देख सकते हैं कितना शानदार हम आपको इसमें वर्क करके दे रहे हैं, जो कि बहुत ही सुपीरियर है। ये आपका अटैच इसमें वॉशरूम हो गया। अब हमारे ये था वॉशरूम, अब मैं आपको इसका बेड जो हमने वर्क किया हुआ वो आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कितना शानदार हम आपको ये वर्क करके दे रहे हैं इस बेडरूम के अंदर। ये हमारी इसमें कवर्ड हो गई बिग साइज़ की, आपको इसमें अलमीरा मिलने वाली है हमारे इस फर्स्ट बेडरूम के अंदर। और ये हो गया आपका ड्रेसिंग, ये हमारे ड्रेसिंग यूनिट है। और मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ, तो ये हमारी बालकनी है, जो कि बिग साइज़ की आपको बालकनी मिलने वाली है, जिसमें आपको वॉशिंग मशीन का पॉइंट भी मिलेगा। और आप देख सकते हैं सन फेसिंग फ्लैट है ये आपका। तो अब चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की ओर। तो ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, जो कि बहुत ही लग्जीरियस आपका बेडरूम रहने वाला है। ये हमारा चाइल्ड रूम है, जो हमने इसमें आपको डिज़ाइन जो हमने तैयार किया है, ये आपने फॉरेन कंट्री के अंदर देखा होगा, वो अब हम दिल्ली जैसे शहर के अंदर लेके आए हैं। जो बेड का है आप देख सकते हैं, ये हमारा बेड है, फोल्डिंग बेड है। यूज़ करना है तो आप खोल लीजिए, नहीं यूज़ करना तो आप इसको फोल्ड करके देखिए, जिससे कि आपका रूम स्पेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, जो भी आपको करना है इसमें। तो ये हो गया अब हमारा बेड क्लोज, है ना दोस्तों, हमारा ये यूनिक बेड। तो ये अब हमारा इसके दोनों बेड की तरफ जो आपको वर्क मिलता है, जो कवर्ड है वो आप देख सकते हैं। बिग साइज़ की आपको ये अलमीरा मिलने वाली है दोनों तरफ।
इधर आपकी ये टेबल होगी जहाँ पे आप स्टडी आपका बच्चा कर सकता है। ये हमारा किड रूम है और जो हमने वॉलपेपर लगाया है वो भी आप देख सकते हैं कितना शानदार आपको वर्क मिलता है। बालकनी आपकी इसमें है, ऊपर आपका विंडो एसी का प्रोविजन हम आपको दे रहे हैं इसमें, और हमारे इसका फॉल सीलिंग का डिजाइन देखिए। अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की ओर, इससे भी आपको बालकनी एक्सेस मिलने वाला है। आप हमारे रूम साइज देख सकते हैं कितना बिग साइज का रूम है हमारा, ये 6x6 का हमने बेड लगाया है, उसके बाद भी अच्छा खासा स्पेस आपको मिलने वाला है। ये हमारी कबर्ड है, ये भी हमारी बिग साइज की आपको कबर्ड मिलती है, और इसके साथ ही ये हमारी ग्लास में है जिसके अंदर हमने सेल्फ बनाई हुई है। और हमारे इसका बेडरूम का पीछे का डिज़ाइन देखिए कितना शानदार आपको ये वर्क मिलने वाला है। इसके सामने आपको ये टीवी पैनल हो गया, और इसमें भी आपको विंडो एसी का प्रोविज़न मिलने वाला है। ये पूरा वेंटिलेटेड हमारा 3BHK फ्लैट है, और ये हमारी होगी सेकंड बालकनी। तो ये बालकनी है, और मेट्रो से जो मैंने डिस्टेंस की बात करी थी तो यहाँ से आप मेट्रो का स्टेशन है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि मेट्रो बहुत ही नियर रहने वाली है आपके इस प्राइम लोकेशन पे। अब चलते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम की ओर। तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, आप देख सकते हैं कितना बिग साइज का हमारा ये वॉशरूम मिलने वाला है। सारी जेन्युइन बाथरूम फिटिंग हम इसमें आपको लगा के देंगे। वॉल हैंगिंग सीट है इसमें, और ये हो गई आपकी वैनिटी। जो लिविंग एरिया में जो आप डाइनिंग लगाएंगे तो यहाँ पे हम आपको वैनिटी लगा के देंगे, जो कि बहुत ही शानदार हमने वर्क किया है। पीछे आप टाइल वर्क देख सकते हैं हमारे इस वैनिटी का। अगर दोस्तों हमारा ये 3BHK का फ्लैट आपको पसंद है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल।